दोस्तों मैं हूं कुमार प्रदीप, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं आपको कि रिट्स कितने प्रकार के होते हैं, रिट्स कौन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो मेरे YouTube को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच जाए इसलिए आप बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार रिट सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद 226 के अनुसार हाई कोर्ट में लगाई जा सकती है। रिट जारी करवाने का आवेदन उस व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जिसके मूल अधिकारों को ठेस पहुंची हो। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट का आवेदन बंदी बनाए गए व्यक्ति के मित्रों एवं रिश्तेदारों द्वारा किया जाता है। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि रिट 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। यह आदेश उन व्यक्तियों के खिलाफ किया जाता है जिन्होंने किसी व्यक्ति को बंदी बनाया है। यह रिट उस समय जारी करवाई जाती है जब किसी व्यक्ति को बिना किसी कारण बंदी बनाया जाता है। इस रिट में यह आदेश दिया जाता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को कोर्ट के सामने पेश किया जाए। यह रिट बिना किसी कारण के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर जारी की जाती है। नंबर 2, परमादेश रिट। इस रिट के माध्यम से किसी अधिकारी या संस्था को अपना कार्य करने के खिलाफ मजबूर किया जाता है। परमादेश रिट उस समय जारी किया जाता है जब कोई अधिकारी या संस्था के अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करती है, लेकिन परमादेश की रिट प्राइवेट व्यक्तियों एवं प्राइवेट संस्थाओं के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती है। जब कोई लोक अधिकारी कानून अपने कर्तव्य पूरे नहीं करता या अपने शक्तियों के बाहर कार्य करता है या भेदभाव से कार्य करता है या अपने बुद्धि विवेक से कार्य नहीं करता है तो परमादेश की रिट जारी करवाई जा सकती है। नंबर 3, अधिकार परीक्षा रिट। यह रिट उस समय जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति अवैध रूप से किसी कार्यालय में किसी पद पर कार्य करता है, लेकिन यह रिट किसी प्राइवेट संस्था के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती है। नंबर 4, प्रतिषेध रिट। यह रिट कोर्टों एवं अर्ध न्यायिक संस्थाओं के खिलाफ जारी की जा सकती है। यह रिट उस समय जारी की जाती है जब कोर्ट अपने क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करता है। जब कोई कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करता है तो उसे रोकने के लिए प्रतिषेध रिट जारी की जाती है। यदि कोर्ट न्याय सिद्धांतों के बाहर काम करता है तो प्रतिषेध रिट जारी करवाई जा सकती है। यह रिट कोर्ट की कार्यवाही को रोक देती है। नंबर 5, उत्प्रेषण रिट। प्रतिषेध रिट की तरह उत्प्रेषण रिट भी न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक संस्था के खिलाफ जारी की जाती है। यह रिट उस समय जारी की जाती है जब किसी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था ने अपने क्षेत्राधिकार के बाहर कार्य किया हो या कोई अस्पष्ट गलती की हो या न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ कार्य किया हो। कोई भी व्यक्ति अपने मामले में जज नहीं हो सकता है और प्रत्येक व्यक्ति को कोर्ट के सामने अपनी बात कहने का अधिकार है। जैसे न्यायिक सिद्धांतों का उल्लंघन होने पर यह रिट जारी करवाई जा सकती है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, क्योंकि उनको भी पता चले कि रिट्स कितने प्रकार के होते हैं, रिट्स कौन आवेदन कर सकते हैं। धन्यवाद।